वीडियो में बात करेंगे 2023 के इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के पेपर ये क्या है सेट फोर तो शुरू करते हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका इसमें से आंसर चार बताने हैं छः क्वेश्चन हैं तो चार बताने आपको तो फर्स्ट है डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्थी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा मोटिवेशन होगा इमोशनल इंटेलिजेंस होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इनमें से किसे बेनिफिट नहीं होता स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो इसका क्या होगा आंसर इसका आंसर बूस्ट इम्यूनिटी होगा इम्प्रूव मूड होगा प्रिवेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स होगा रिड्यूस एफिशेंसी होगा तो इस क्या नहीं होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस एफिशेंसी रिड्यूस एफिशेंसी इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स देट आर देट कैन डैमेज द डाटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर उनको क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं हम वायरस क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी थर्ड का ऑप्शन नंबर बी वायरस फोर्थ आपके पास इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार प्रजेंट एट बॉटम ऑफ द विंडो सेवन डेस्कटॉप जो विंडो सेवन के बॉटम पर होती है वो क्या बोलते हैं स्टेटस वार बोलते हैं टेस्क वार मेनूवार रिसाइकल बिन तो उसे क्या बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी टेस्क वार उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या मिथ है या रियलिटी ये बतानी है आपको एंटरप्रीनर्स जो एंट्रप्रीनर्स होते हैं आर बोर्न आ सर्टेन वे क्या वो सर्टेन वे से होते हैं नहीं ये क्या है मिथ क्या है मिथ उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर एंटरप्रीनर्स एंटरप्रीनर्स के लिए क्या इनमें से बात सही नहीं है ये बतानी है आपको तो क्या सही नहीं है दे क्रिएट नीड्स एंड डिमांड ये भी सही है दे प्रोवाइड ड्रॉ मेटेरियल ये भी सही है दे डू नॉट क्रिएट जॉब्स ये सही नहीं है तो सिक्स का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में आपको कितने करने हैं छः क्वेश्चन दिए जाएंगे पाँच अटैम्प करने हैं तो फर्स्ट है डैश कंट्रोल ऑल एक्सेप्ट ऑफ ए पैराग्राफ अपीरियंस सच एज टेस्ट अलाइनमेंट टेप स्टॉप लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डरस एंड कैन इंक्लूड करेक्टर फॉर्मेटिंग तो ऑप्शन है पेज स्टाइल सेल स्टाइल करेक्टर स्टाइल पैराग्राफ स्टाइल ये किस में आएंगे ऑप्शन नंबर डी पैराग्राफ स्टाइल में उसके बाद आपका नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हाउ मैनी लेल्स ऑफ हेडिंग डज ओपन ऑफिस राइटर ए वीलू टू बुल्ड द टेबल ऑफ कॉन्टेंट मतलब जितनी लेवल की हेडिंग होती है जब आप ओपन करते हो तो आठ दस नौ बारह तो कितने की होती है ऑप्शन नंबर सी कितने की होती है दस उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड है आपके पास रीमा हैज़ क्रिएटेड अ पेम्पलेट पेम्पलेट बनाती है टू टू वेस्ट इंडिया का सी हैज़ इंसर्टेड मैनी इमेज टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल बट द साइज ऑफ इमेज इज ऑक्यूपाइंग अ लॉट ऑफ स्पेस ज़्यादा स्पेस आ रहा है तो हिज हर फ्रेंड हैज़ सजेस्टेड हर टू रिड्यूज द साइज ऑफ इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प हर इन डूइंग द टास्क विदाउट लूजिंग एनी कॉन्टेक्ट ऑफ द इमेज बतानी है तो क्या होगा रिकलर रिसाइज डॉकिंग रोटेट तो क्या होगा रिसाइज करेगी क्या करेगी रिसाइज ऑप्शन नंबर सी उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कंट्रेस्ट ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट क्योंकि कौन सी होती है वो शार तो फोर्थ क्या हो जाएगा शार फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज वैन क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट ऐसा कौन सा नहीं है जो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में यूज नहीं करते हम तो वो क्या है पेंट क्या है पेंट ऑप्शन नंबर सी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके पास विच मोड इज़ यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज ऑफ डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट गोइंग बैक टू स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इन राइटर तो वो क्या क्या होते हैं फिल फॉर्मेट क्या हो सकता है फिल फॉर्मेट या फिल फॉर्मेट मोड हो सकता है उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है देखो आपको आंसर एनी फाइव करने न सिक्स क्वेश्चन है तो फर्स्ट है आपके पास एक कलर बॉर्डर एक कलर बॉर्डर है विद डैश अपीरियंस अराउंड अ सेल वेयर चेंज आर मेड इन अ सार्वड शेयर्ड वर्कशीट तो ए डॉट ऑप्शन है ए डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ए डॉट इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर आर क्रॉस इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर या ए करॉस इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ए डॉट होगा अपर लैंड अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे सेकेंड आपके पास फीचर्स एड्स डाटा अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन कैलकुलेशन विद लेवल्स विद कॉलम्स एंड रोज वो क्या होगा तो वो होगा आपका सब टोटल क्या होगा सेकेंड का सब टोटल थर्ड है आपके पास ए डैश रेफरस टू अ सेल और अम रेंज ऑफ अ सेल ऑन ए वर्कशीट हुज डाटा वैल्यूज कैन बी यूज इन अ फॉर्मूला फार्मूला में यूज करते हैं तो वो क्या होगा सेल रेफरेंस थर्ड का क्या हो जाएगा सी फोर्थ आपके पास डैश फीचर्स ऑफ सेल इज यूज टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन तो इसमें क्या होगा व्हाट इफ क्वेश्चन तो ये इसमें बोलते हैं सी सिने, सिनेरियो या सॉल्वर या क्या होगा ये होगा तो क्या होगा सिनेरियो क्या होगा सिनेरियो उसके तो बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अरे आंसर आंसर एनी फाइव आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन इनमें से पांच है छ क्वेश्चन है आपको पांच बताने बस ये करना है तो फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डी बी एम एस आपको बताना है डी बी एम एस का एग्जांपल इनमें से कौन सा नहीं है तो आपका ऑप्शन है पोस्टल ग्रेस एसक्यूएल एसक्यूलाइट फॉक्स प्रो और इम्प्रेस तो इसका क्या होगा कौन सा नहीं है इम्प्रेस ऑप्शन नंबर डी उसके बाद डैश इज अ इंटरफेस इज अ अड स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स यूजर टू व्यू एंटर एंड चेंज डाटा डायरेक्टली इन डाटा वेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स उन्हें क्या बोलते हैं हम फॉर्म क्या बोलेंगे फॉर्म एसपेंडेड फॉर्म ऑफ एस क्यू एल एस क्यू एल की फुल फॉर्म बताने क्या होती है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी क्या है ऑप्शन नंबर बी उसके बाद आपका फोर्थ इज़ यूजली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा रिलेशनल फ्लैट फाइल क्या होगा इसमें से तो क्या होगा फ्लैट फाइल फिफ्थ है बाइनरी डाटा टाइप्स इन अ डाटा बेस कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग जो बाइनरी डाटा टाइप्स होता है डाटा बेस में उसे यूज़ करते हैं स्टोरिंग किसके लिए फोटोज म्यूज़िक फाइल्स ई टी सी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सिक्स है डैश क्लाउज कैन बी यूज विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट इन एस क्यू एल टू स्पेसिफाई विच रोज टू रिट्राइव फ्रॉम द टेबल तो क्या होता कौन सी होती है वो वेयर सिक्स का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए उसके बाद देखोगे आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फिफ्थ में क्या है आपको आंसर एनी फाइव आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन है पाँच के आंसर देने हैं तो देखते हैं डैश इज एन एसेसिबिलिटी फंक्सन विच इज़ डिज़ाइन फॉर पीपल हु हैव विजन एम्पेयरमेंट और कोगिनेटिव डिसेबलिटीज़ तो क्या होते हैं वो टॉगल्स की क्या होती हैं टॉगल्स की सेकेंडर नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्या बोलते हैं उन्हें उन्हें बोलते हैं क्लाइंट सर्वर क्या बोलते हैं क्लाइंट सर्वर थर्ड प्रोवाइड इंटरनेट एसिस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क तो वो क्या होते हैं डी एस डी एस एल क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी फोर्थ आपके पास ए डैश इज ए अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लैंड टू अनवांटेड और अनप्रीसेंट रिजल्ट आउटकम्स तो वो क्या होते हैं एक्सीडेंट क्या होते हैं वो एक्सीडेंट सी उसके बाद है फिफ्थ ए डैस वर्कर्स विल आलवेज़ परफॉर्म टू द बेस्ट टू हिज एविलिटी तो क्या होगा हैप्पी एंड हेल्थी वर्कर्स उसके बाद आपका डैश इज़ प्रोसेस ऑफ एमटाइंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन एमरजेंसी डिजास्टर तो क्या बोलते हैं उसे एव्यू क्या बोलते हैं एव्यू